अगर देखेंगे तो वो जो परमाणु होते हैं तो हम वो लेते हैं पांच इंद्रियों के, तो वो थोड़ा मुझे और समझाइए। जो जो दादाजी ने एक इंसिडेंट बताया था ना, वो मोली का जो है, वो मोली का कि वो कोई रास्ते में जा रहे थे तो वो परमाणु के वजह से उनको मोली के परमाणु के वजह से वो मतलब वो फिर से उसी रास्ते से आ गए। तो वो क्या साइंस है कि अंदर जो परमाणु होते हैं वो बाहर परमाणु खींचते, थोड़ा वो समझाइए। उसका मतलब क्या है डॉक्टर साहब, कि जैसा हमारा भुगतान होता है ना, जैसे वैसे कि दादा ने अपने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कि जी, दादा भगवान एक जगह पे जाना चाहते थे, वो रास्ता बदल गया और रास्ते में उन्होंने वो सिंगोड़ा बोलते ना, क्या बोलते हैं गुजराती में सिंगोड़ा, के काला सिंगोड़ा, काला होता है ना, हाँ सिंगाड़ा, सिंगाड़ा बोलते हैं। हाँ वो रास्ते में मिले सिंगोड़ा और उन्होंने खाए। तो दादा ने सोचा कि ये यहाँ कैसे ये रास्ते से आना हुआ, बोले ये सिंगोड़ा खाने का था ना, इसीलिए रास्ता है बदल गया, और इस तरह से उनको सिंगोड़ा खाने का था और रास्ता, और फिर घर गए, समझ में आया। हाँ तो मतलब कि हम जो भी चीज देखते हैं हमारे सामने, वो हमारे अंदर परमाणु उसके पड़े हुए हैं। सामने वाले भी जो चीज हमारे सामने करते हैं, जो एक्शन करते हैं, उसके परमाणु हमारे अंदर पड़े हैं, ऐसा। सब पड़े हैं, यानी उससे जुड़ा हुआ भुगतान जो है ना, वो भुगतान में से गुजरना पड़ता है, अभी जो उस सत्संग में परिस्थिति से, जो उस अभी जो परिस्थिति से गुजर। सत्संग में जो हमने सुन मैं हमने सुना, वो भी परमाणु हमारे अंदर पड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा है। करेक्ट करेक्ट। अच्छा और तो और, एक बार सुनने से कई बार पता नहीं चलता है, पांच दस बार सुने, ओ आप ये कहना चाहते थे, बोले कब का तो ये कहता हूं मैं, हमें आया। तो हमको कई बार ऐसे लगता है ना कि वो सामने वाला गलत कर रहा है, लेकिन वो हमारे अंदर परमाणु पड़ रहे हैं, हेलो, तभी हमारे सामने आया वो संजोग, ऐसा ऐसा है ना। फिर से दोहराइए क्या बताया। कई बार हम देखते हैं कोई 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 व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो हमको लगता है नहीं ये गलत कर रहा है कार्य जो है, लेकिन जो है कि वो परमाणु हमारे सामने पड़े भी, हमारे अंदर भी पड़े हैं वो परमाणु, तभी वो हमारे सामने वो कार्य कर रहा है। जैसे नहीं, कि उसका मान मतलब लो क्या कोई होता है, जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति हमारे सामने झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम झगड़े के परमाणु हमारे अंदर भी पड़े हुए हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं है। जब फिर सामने वाले झगड़ते हैं तो आपके अंदर क्या होता है वो देखना है आप, हमें क्या नहीं, होता है देखो, मेरे ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमें कि राग सामने द्वेष वाले है। दो दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, वो हमारे सामने वो क्यों आया, संजोग क्यों बना है, उसका रीजन क्या है, वो हमारे सामने वही तो क्यों आया। बताता हूँ, जी वो बताता हूँ जी कि आपके अंदर क्या चलता है वो देखो। हाँ वो तो ठीक है। वो झगड़ रहे हैं, वो अपने कर्म के आपको सुनाई देता है कि नहीं? नहीं वो ठीक है, कर्मों के हिसाब से झगड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने वो झगड़ रहे हैं, वो है ना। मेरी बात तो पूरी होने देते नहीं, और बीच में बोलेंगे तो क्या करूंगा मैं। अच्छा, बताइए। वो कर्म के हिसाब से झगड़ते हैं, लेकिन आपको अंदर एक दूसरे, वो दो के बीच में आपको राग द्वेष होते हैं, हाँ तो हाँ वो है झगड़े का संजोग और आपके राग द्वेष खुले होते हैं। या समझ हाँ में आया? तो वो कभी हमें मौका मिल जाता है, अरे हम तो मानते थे कि ऐसे में राग द्वेष नहीं है, लेकिन अरे ऐसे में भी राग द्वेष है, तो
तो ये भी प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ध्यान में आया? नहीं, मैं आपसे वो एग्री हूँ कि राग द्वेष होते हैं वो सही नहीं है, लेकिन मैं वो मैं पूछ रहा हूँ कि वो मतलब कि जो दो व्यक्ति हमारे सामने लड़ रहे हैं वो संयोग क्यों आया, मतलब उसका कॉज वो इफेक्ट है ना, तो उसका कॉज क्या है? नहीं, राग द्वेष है ना, इसीलिए वो राग द्वेष अंदर क्या होता है ना, उससे आपको पता चलेगा कि वो बाहर जो आया है ना। हाँ देखो, लोग तो झगड़ते ही रहते हैं, कहीं हाँ ना कहीं झगड़ा हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन आपको देखने में आता है, जानने में आता है, और आपको असर होती है, वो आपका हिसाब है, ये बात समझना है। अच्छा, आपने बोला कि वो हमारा हमारे अंदर राग द्वेष पड़े हैं इसलिए जो है वो ऐसा संजोग आया, ऐसा हाँ, ऐसा। इसीलिए देखो, महावीर भगवान को राग द्वेष नहीं थे, तो हाँ वो दोनों को देखकर भी वो स्वस्थ रह पाए थे। उन्होंने समझ लिया कि ये जो मार रहा है वो जानता नहीं है कि मारने का परिणाम क्या है। फिर कहा, ये जो मार खा रहा है वो पहले गलती करके आया, इसलिए वो मार खा रहा है। वो हाँ पूरा हाँ समाधान हो गया, अभी तो तो उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो आपने बोला हमारे अंदर राग द्वेष पड़े हैं, ठीक है, तो उसमें फिर हम उसमें मेरा ये मेरे को ऐसा जैसे आपने ये बताया, तो उसमें जो है ये दृष्टि से देखने से जो है वो सामने वाले के दोष थोड़ा अगर हम देखें तो सामने वाले के दोष फिर कम मतलब लगते हैं, और हमारे अंदर पे फोकस होता है कि हमारे अंदर राग द्वेष पड़े हैं, सामने वाला जो भी कर रहा है वो व्यवस्थित है, उसके हिसाब है, लेकिन हमारा नहीं, हिसाब नहीं है, हमें तो तो हमारा उससे हम दोषी हमारा दूसरे को दोषी देखने से बच जाते हैं, मतलब ये थोड़ा सामान देख लेने का है अंदर, ये मौका हमें मिलता है हमारे अंदर झांकने का, देखने का, समझने का और सुधारने का। हाँ, वो बहुत हेल्पफुल, आपने बताते ना वर्ल्ड इज आवर प्रोजेक्शन, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, ये मैं बता। हाँ, और रिफ्लेक्शन। हाँ, ठीक है, ठीक है, जय सच्चिदानंद। यही जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, इसके कंटिन्यूएशन में दीपक दादा, आनंद जी जी के आपका सामायिक अभी चल रहा है, तो आपने तो फोर्थ फोर्थ एड किया, तो हम लोग तो खाने में ध्यान रखता है, तो अभी आपके क्या करने का है और आपका साइंस क्या नहीं, होता पहले है पहली बताओ। बात यह है कि ये पांच इंद्रिय के विषय को समझना है कि वो नो कर्म का फल है और वो पांच इंद्रियों का भुगतान करवाता है। अभी हमने जो लिया है वो स्पर्श, स्वाद, सुगंध और आंख का है, लिया है, तो अभी आंख के साथ कॉम्पोजिट या कंप्लीट करेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। और खाने के समय में ये उपयोग बड़ा मदद रूप होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको खाने खाने थाली हाँ में परोसते हैं ना, अरे गुजराती ने हिंदी, थाली में पीरसे ने तो जुए, तो जुए એટલે ખબર પડી જાય ને કે આ શું છે કેવું છે કરીને, એટલે જોવાના ભાગમાં આપણે બધાનો કલર જોઈએ, તેલ છે નથી। દાખલા તરીકે આજે હું મારી વાત કરું, દાદા પછી છેલ્લા ખબર પડી, મને ડાઉટ હતો પણ એક્સક્લુઝિવ ટેસ્ટ આવ્યો નહીં। પછી એમણે મેં જોયું તો મેં કીધું કે તમે આમાં લસણ નાખેલી હતી એમ, કે સોરી મને ખબર નહોતી, એટલે મેં કીધું કે મને પહેલેથી જરા ડાઉટ ગયો હતો પણ ક્લિયર એકદમ ખ્યાલ નહીં આવ્યો, એટલે ખાતો કે પણ છેલ્લા તો લસણની કડી જ મોઢામાં આવી આવ્યો। એટલે આ તો કહેવાનું શું કે આપણું આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે ને, એ કેટલું બધું રિવીલ કરતું હોય છે। સુગંધ પણ આવી, ટેસ્ટ પણ આવ્યો, પણ આનો આપ એક્સક્લુઝિવ આવ્યો નહીં, એટલે મેં કીધું હશે એમ કરીને, અને ખાસ એમણે કીધું કે ના ઇસમે કુછ નહીં ડાલા હે એમ કરીને કીધું, એટલે મેં કીધું કે બરાબર, પણ પછી કડી આવી ને જેવી, તે તરત સમાધાન થઈ ગયું કે અંદર છે ભાઈ।
હોત ને એટલું બધું ઇરિટેશન થાય ને કઈ ને કઈ વાણી એવી નીકળે, વ્યવહાર એવો આડોઅડો થઈ જાય. પણ આવી રીતે થયું એટલે પછી મને ખબર પડી કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ એના એંધાણ આપતી જ હોય છે, ઇન્ડિકેશન આપતું જ હોય છે. પણ આપણે ખોવાયેલા હોય છે, જાગૃતિ નથી હોતી, એટલે પછી એની ક્લેરિટી થતી નથી. છતાં આપણે શું સમજીએ કે આ બધો વ્યવહાર, ખાલી થતો વ્યવહાર અને બધા સંજોગોમાં ગમો અણગમો આવ્યા જ કરતો હોય છે, તો એને આપણે સારી રીતે છુટાવીને જોઈએ. એટલે એ ગમા અણગમાના ભોગવટામાંથી આપણે નીકળતા જઈએ ને આપણા સમપરિણામ ખુલ્લા થતા જાય. આ બધાનો હેતુ આ છે કે આ પાંચ ઇન્દ્રિયોનો, ખરેખર આ પાંચ ઇન્દ્રિયોનું બ્રહ્મચર્યમાં આપણે આવીએ છીએ. એ પાંચ ઇન્દ્રિયમાં આપણે શુદ્ધ ઉપયોગ કેવી રીતે રાખી શકીએ? પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગવટામાં, ક્રિયામાં આપણે જોયું, વિચારોમાં જોયું, વાણીમાં જોયું, એટલે હવે આ પાંચ ઇન્દ્રિયોને આપણે જોતા એટલું બધું લાંબુ ને વિશાળ છે ને, એટલે ખાવાના ભાગમાં બહુ સરસ થાય. એને ઝીણું ઝીણું જોવાનું, ખૂબ ચાવવાનું, પણ જોયું કે સરખું ચાવતા બી નથી અને ધડાધડ અંદર નાખતા જ જાય, ગબડી જ જાય અંદર. અને એનું પરિણામ શું આવે? તો જરૂરત કરતા વધારે ખવાઈ જાય, નંબર વન. બીજું કે ખાવાનું સરખું ચવાતું નથી, એટલે પછી પેટને લોડ વધી જાય, એટલે પછી જમ્યા પછી થોડો આરામ કરવો પડે, કારણ કે પેટને ટાઈમ આપવો પડે ને, ફ્રી ટાઈમ. ફ્રી ટાઈમ આપવો પડે કામ કરવા માટે, એટલે કે થોડા આડા પડવું પડશે. છેલ્લા કઈ નહીં તો 10-15 મિનિટ શું પાવર નેપ કરીને પણ લઈ લે. અને નહીં તો એ સારી વસ્તુ છે કે આપણે થોડું 15-20 મિનિટ, આમે આયુર્વેદ કહે છે કે વામ કુક્ષી કરવું, ડાભા પડકે હુઈ જવું. પણ આ કહેવાની વાત એ છે કે આપણે એના પર જાગ્રત રહીએ, તો પછી ધીમે ધીમે આજે પાંચ ઇન્દ્રિયના ભોગવટામાં જે આપણે ખોવાઈ જઈએ છે, એની લપ રહે છે, માથાકૂટ રહે છે, કકડાટ રહે છે, ખેંચા ખેંચી રહે છે, એમાંથી નીકળી જઈએ ને આપણે આ બધામાંથી જે મને ભોગવવાનું આવ્યું, જે ભોગવટો આવ્યો ને, એ મારો હિસાબ હતો, એ મારું વ્યવસ્થિત હતું, અને એ વ્યવસ્થિત આપણને સમજાતું જાય, અને સમજાતું જાય એટલે પછી આપણે કાચબા જેવા અંદર રહીશું, પાંચે પાંચ માથા સાથે ચાર પગ અંદર લઈને. એટલે પછી શિવજીના દર્શન કરવા માટે, શિવજીનો અનુભવ કરવા માટે, શુદ્ધાત્માના અનુભવ કરવા માટે આપણે પાક્કા થતા જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ.